अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ फूड ब्लॉगर में फिर से एक बार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी सी ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ता के लिए आप इसे इजीली बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार की होती है। तो आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, और मेरी वीडियो रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम चावल ले लिया है, कोई भी आप चावल ले सकते हैं घर में, जो रेगुलर आप बनाते हैं ना उसे ले ले। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 से 5 घंटे तक भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल गई है और पिसने लायक हो गई है, मतलब हमारा जो चावल अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब इसको हम एक मिक्सी के जार में लेकर आधा आधा पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसना है। अगर आपकी जार बड़ी भी है तब भी आप आधा आधा लेकर पीसें, क्योंकि एक साथ पीसेंगे तो वो अच्छे से पिसाएगा भी नहीं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी इतना डालना है कि इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो अगर आपको पानी बीच बीच में कम लग रहा है तो आप इसमें डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए, ठीक इस तरह देखिए। और एकदम हल्का दरदरा होता है ना, छूकर देखेंगे तो एकदम हल्का दरदरा लगेगा, बस उतना ही हमें पीसना है। और देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना है, आपको देख के ही लग रहा है ना कि ये अच्छे से पिसा गया है। और आपको इसी तरह सारे आपको पीसना है। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, और सारे आपको इसी तरह मिक्सी के जार में लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेना है। तो ये देखिए हमने सारे को पीस लिया है अच्छे से, और ये हो गया। तो बस अब इसको क्या करना है ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कितना पीसना है। आपको सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए ये एकदम हल्का दरदरा दिख रहा है, बस इतना ही आपको दरदरा पीसना है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने गैस पे यहाँ पर ही कोई भी तवा ले लेना है, या आपके पास अगर नॉन स्टिक का है वो ले लीजिए, या फिर तवा है तो उसमें भी बना सकते हैं। पर आपके पास ये जो डोसा वाला तवा होता है ना उसमें बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फैल के बड़ा सा बनेगा और अच्छा छिलका बनेगा, तो बहुत ही मज़ेदार की जाएगी, अच्छी दिखेगी। तो हमें यहाँ पे जितना बनाना है उतना मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा 2 चम्मच निकाल कर इसमें रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना बनाना है मैं उतना ले रही हूँ। आप अगर पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच निकाल कर रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेना है। आपको बस इसमें इतना पानी डालिए, अगर पानी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है गढ़ा तो आप इसमें पानी डालकर इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाना है। एक ही दफ़ा में पानी डालकर नहीं करना है, वरना इसमें लम्स होंगे फिर वो अच्छे से घुलाएगा नहीं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून नमक। नमक को हमें इतना लेना है कि आप जब इसको थोड़ा सा चख कर ना देख ले, बस हल्का सा ज़ुबान में नमक लगना चाहिए, बस उतना ही। तो नमक को मिलाकर अच्छे से घोल लीजिए। ये देखिए हमने एकदम फाइन पे घोल इसका बना लिया है। और चलिए अब इसको हम छिलका बनाते हैं इसका। तो ये देखिए तवा जो हमारा है वो गर्म हो गया है, और यहाँ पर हम एक कॉटन कुछ भी लेंगे और इसको ऑयल में डिप करके सारे तवे में अच्छे से लगा दीजिए। इससे छिलका क्या चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा और बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे साइड साइड में पहले डाल लेना है घोल को, और उसके बाद फिर बीच में डालेंगे। तो इस तरह से हमारा जो छिलका है एकदम अच्छे से सारे जगह पे एकदम जो है वो लग जाएंगे, और छिलका बनकर हमारा रेडी भी हो जाएगा। तो बस जहाँ जहाँ नहीं है उसको तवा को थोड़ा हिलाकर घुमाकर इसको इस तरीके से आप लगा ले। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है जालीदार, जब ये पक जाएगी ना तो और जालीदार दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया है, 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसको रखकर, और हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है। मैं आपको इसमें बताना भूल गई, हाई फ्लेम पे ही गैस को रखिए, क्योंकि जो हमारा छिलका है ना वो साइड साइड से क्रिस्पी और अच्छे से पक जाएगा, और इसको पलटी नहीं करना है, बस नीचे साइड सिक जाएगा अच्छे से। तो मतलब देखिए हमारा जो छिलका था वो पका नहीं था, मैंने आपको दिखाया अभी वो पका नहीं था। तो ये देखिए अभी साइड साइड से पूरा छूट गया अपने से, जब साइड साइड से छूट जाएगा ना तो समझिए छिलका हमारा बनकर रेडी है, और पलटना नहीं है, बस इसको पलट के उतार कर रख लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी जालीदार बनकर हमारा जो छिलका बनकर आई है। तो चलिए अब हम फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पहले हम यहाँ पर
डिप नहीं करना है उसी से, हमें दोबारा डिप नहीं करना है। अगर आपको ऑयल कम लगा तो आप डिप करिए, वरना मत करिए, और एक ही बार में डिप करके बस उसको लगाना है। तो ये देखिए, हमें छिलके को इसी तरह डाल देना है तवे में घुमाकर एकदम अच्छे से, और बस हमारा छिलका एकदम रेडी हो जाएगा आसानी से। और इसको ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम में इसको पका लेना है। तो ये देखिए, अभी साइड साइड से ना इसका जो छिलका है निकला नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है। देखिए, साइड साइड से कहीं पर भी छिलका नहीं दिख रहा है। ये देखिए, साइड साइड से अभी छिलका निकल गया है, और देखिए अच्छे से छिलके बनकर रेडी है, एकदम जालीदार बनकर। और अगर आपको छिलका बनाकर एक देख लीजिए, अगर आपका छिलका एकदम मोटा है तो आप उसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा, और उसको पतला कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पहले वाला जो था ना, वो थोड़ा सा मोटा लग रहा था, तो मैंने इसमें और थोड़ा पानी डालकर छिलका को पतला कर दिया है। और ये देखिए, मैंने इसी तरह सारे छिलके को बनाना है, और बस हमारे छिलके रेडी है। बहुत ही जल्दी से बन जाती है, क्विकली, और बहुत ही इजी रेसिपी है, कुछ नहीं करना रहता है। तो ये देखिए, एकदम जालीदार बनकर हमारा जो छिलका है एकदम रेडी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो छिलका है वो रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही बनाया है, क्योंकि मैं सिर्फ खाऊंगी, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो सुबह में अभी कोई उठा नहीं है। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाया है, क्योंकि अभी मेरी फैमिली कोई नहीं उठी है, और ये सिर्फ गरम गरम खाने में मज़ा आता है। जब वो लोग उठेंगे तो मैं उन्हें भी गरम गरम सर्व करूँगी। तब तक के लिए मैंने अपने लिए बनाया, तो मैं इंजॉय कर लेती हूँ, और साथ में आप भी मेरे साथ इंजॉय कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और ये देखिए, हमने चना दाल और सॉस के साथ बहुत सर्व किया है। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर सांभर के साथ भी, बहुत ही मज़ेदार की बनती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार की बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपकी मुझे एक लाइक कमेंट शेयर से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो आप मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और मुझे फुल सपोर्ट दीजिए दोस्तों। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।